Hello students, good morning. Today I am going to teach you 3-digit numbers. आप लोग पिछले क्लास में टू डिजिट नंबर्स को पढ़ाया आपने, जैसे कि द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर इज 10, द ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर इज 99. यानी कि 2-digit का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे जा कर के वो उसका एंड होता है. तो 99 उसका ग्रेटेस्ट डिजिट होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है. उसके बाद हमारा 100 होता है, तो 100 हमारा 3-digit हो जाता है. तो हम लोग स्मॉलेस्ट 2-digit का नंबर 10 होता है, ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर 99. लेट अस ऐड 1 to 99. 99 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा 100 हो जाता है, और 100 हमारा 3-digit नंबर हो जाता, 3-digit हो जाता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है. 3-digit का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है. इसको हम लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड. यानी कि वंस के प्लेस फिर टेंस के प्लेस पर होता है, फिर हंड्रेड के प्लेस पर. 3-digit हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, 3 प्लेस पे होता है. 3-digit नंबर को हम 100 से शुरू करते हैं, 100 से, क्योंकि 100 जो है सबसे 3-digit का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है. तो हम 100 से शुरू करते हैं. 101, 102, 103, 104. इस तरह से हम 999 तक जाते हैं. इसका एंड पॉइंट जो है 999 होता है, जो 3-digit का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है. 3-digit का स्मॉलेस्ट नंबर 100 एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 999. इस प्रकार 3-digit नंबर जो 100 से स्टार्ट होता है और 999 पे इन इसका हो जाता है. और 100 और 999 के बीच 900 3-digit नंबर होते हैं टोटल. आपको इस तरह से इसको 101 से लेकर के कुछ नंबर्स लिखने होंगे, मिसिंग नंबर फिल करना होगा. आप 101, 102, 103, जैसे 100 आप लोग लिखते हैं 99 के बाद 100, उसी तरह से. तो 100 तक 99 तक नहीं लिखना है आपको, 100 के बाद से, यानी कि 101, 102, 103, 104. इसको पूरा धीरे धीरे करके देते जाएंगे और आपको 999 तक पूरी काउंटिंग स्लोली लाइन बाय लाइन जैसे जैसे दिया जाएगा होमवर्क में वैसे आपको करते जाना है. एक चीज़ याद रखना है आपको, 3-digit स्मॉलेस्ट नंबर इज 100 एंड 3-digit ग्रेटेस्ट नंबर इज 999. और 100 और 999 के बीच टोटल 900 3-digit वाले नंबर होते हैं. ओके, गुड.